तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जमजम के बारे में। जमजम का पानी, साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है, इस्लामिक स्टडी क्या कहती है, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता जमजम के बारे में। तो उन्हीं सवाल के जवाब हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जमजम का कुआं सऊदी अरब के शहर मक्का में काबा से कुछ ही कदम पर वाक़ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे और वो पानी की प्यास से रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनकी वालिदा हज़रत हाजरा वो उन्हें तड़पता देखकर दोनों पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा के बीच चक्कर काट रही थी, और उतने में वहाँ एक पानी का चश्मा जारी हो जाता है जिसे आज हम जमजम का कुआं के नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल करती है। ये पानी मोटर्स के ज़रिए 2400 घंटे लगातार निकाला जा रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है और कभी ख़त्म नहीं होता। इस जमजम वाटर होली वाटर, क्या जमजम मुकद्दस पानी है? जी हाँ, सऊदी अरब या मक्का जाने वाले लोग इस पानी को खूब पीते हैं और साथ लाते हैं और दूसरों को तोहफे की शक्ल में देते हैं। इस पानी की कम क्वांटिटी को ज़्यादा क्वांटिटी वाले सादे पानी में मिलाया जाता है और अच्छी सेहत और बीमारियों से शिफा के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी के एक बूंद को गिरने नहीं दिया जाता। व्हाट इज स्पेशल अबाउट जमजम वाटर? इस पानी में क्या ऐसा खास है? क्या ये पानी अलग है? जी हाँ, ये पानी दूसरे सादे पानी से अलग खासियत रखता है। ये पानी दूसरे तमाम पानी की तरह ख़राब नहीं होता, इसमें काइन भी नहीं आती। इस जमजम वाटर द प्योरेस्ट वाटर? क्या जमजम सबसे ज़्यादा साफ पानी है? साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ज़मीन पर जितने भी किस्म के पानी पाए जाते हैं इनमें जमजम सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट साफ है। इसकी वजह यह है कि इस पानी में बाइकार्बोनेट्स 366 मिलीग्राम मिकदार में पाए जाते हैं, जो किसी भी दीगर प्योर वाटर से बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट जमजम वाटर? जमजम में क्या ऐसा खास है? साइंसदानों ने साबित किया है कि जमजम के पानी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम नमक और कुदरती फ्लोराइड्स होने की वजह से ये पानी सेहत के लिए मुफीद है और जरासीम को ख़त्म करता है। इस जमजम वाटर अनलिमिटेड? क्या जमजम का पानी हद से ज़्यादा है? जियोलॉजी के एक प्रोफेसर शराकी का कहना है कि ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता, या जितना कम होता है कुछ वक्त में वापस फिल हो जाता है। ये रिन्यूएबल वाटर है। नॉन डिप्लेशन इन जियोलॉजी मीन्स दैट इट इज रिन्यूएबल वाटर। इस जमजम वाटर हेल्दी? क्या जमजम का पानी सेहत को फायदेमंद है? व्हाट इज जमजम वाटर यूज्ड फॉर? ये माना गया कि जमजम पानी बहुत ज्यादा मुफीद है और ये तमाम बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद साबित हुआ है, और इसको पीने के बाद जो दुआ मांगो कबूल होगी। कैन जमजम वाटर एक्सपायर? क्या जमजम वाटर खराब हो सकता है? नहीं, जमजम कभी खराब नहीं होता। लोग इसे कई सालों तक स्टोर करके रख चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जमजम वाटर और नॉर्मल वाटर? इज जमजम वाटर बेटर देन नॉर्मल वाटर? जमजम पानी में सादा पानी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिकदार में कटायंस और एनायंस पाए जाते हैं। स्टडी के मुताबिक जमजम पानी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, और ये पानी जिल्द में मौजूद पानी की शक्ल के प्रोटीन्स एक्वापोरिन्स को बढ़ाता है और इंडोमेट्रियल ग्रोथ यानी खून की पैदावार में इजाफा करता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पैदावार यानी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। हाउ डज जमजम वाटर टेस्ट लाइक? जमजम बेरंग ज़मीनी खुशबू, पीएच 7.9-8 और ऐसा मखसूस जायका के पता चल जाता है जमजम पिया जा रहा है। साइंटिफिक एविडेंस ऑफ जमजम वाटर। साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च के मुताबिक जमजम में स्ट्रॉन्टियम और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मौजूद है, जिसकी वजह से आर्सेनिक इफेक्ट यानी
मछलाहट और कमजोरी खत्म होती है। इसमें रेडियोलॉजिकल फीचर्स भी पाई जाते हैं। इस जमजम वाटर पैथोजन फ्री, कॉजिंग नो बैक्टीरियल ग्रोथ। हैज जमजम वाटर बीन टेस्टेड? सऊदी अरब एम्बेसी ऑफ लंदन ने बयान जारी कर कहा था, जब हमने जमजम पानी का टेस्ट किए, इसमें आर्सेनिक नहीं पाया गया। पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी से कैंसर होने का खतरा होता है। इस जमजम मेंशनड इन होली बुक्स? जी हाँ, कुरान और बाइबल में जमजम का जिक्र आता है और इसमें कहा गया है कि ये एक मुकद्दस पानी है। हाउ टू ड्रिंक जमजम वाटर? दुनिया में आप कहीं भी हो, इस पानी को खड़ा होकर, काबा रुख होकर दुआ के बाद पिया जाता है। इस पानी को पीने की अलग दुआ है। तो उम्मीद है जमजम के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात मिल गई होंगी, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।